12 पचपन पे छूटे। The film was very good. It tells us about how we can how the women are not safe. Nahi chalega. The women are not safe in India. How we can increase more safety for them. Thank you. And इसी के साथ में अगर रानी मुखर्जी की अगर काम की अगर बात करिए तो कैसा लगा उनका काम? उनका कैरेक्टर मर्दानी वन में भी सही था, इसमें एक टॉप क्लास कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है। और जिस तरीके की आज के समय में जो सिचुएशन है, लगता है कि लोगों में एक ऐसी फिल्म की जरूरत है। लोगों का माइंडसेट ही वैसा नहीं होगा तो फिल्म की ज़रूरत पड़नी ही चाहिए उनको, क्योंकि जो आज का इंडिया है वो वुमेंस के लिए सेफ है ही नहीं। कितने स्टार देना चाहेंगे? आउट ऑफ 5 4 मूवी मस्ट वॉच फिल्म। रानी हैज डन फैबुलस एक्टिंग एंड इवन द कैरेक्टर एवरीबडी इट केप्ट अस हुक्ड सो इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म। एंड 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगे? अकॉर्डिंग टू मी 4। अच्छी है, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, या यू नो अपने ऊपर कुछ होने से हम फाइट करना चाहिए, ऐसा चुप नहीं बैठना चाहिए। और रानी मुखर्जी की एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे? इट वाज अमेजिंग। मर्दानी 2 या मर्दानी 1? 1 देखी नहीं है अब तक, बट 2 वाज लाइक वेरी नाइस मूवी। 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगे? 4। इट वाज अ ग्रेट मूवी, इट सेंड्स अ वेरी ग्रेट मैसेज अबाउट ट्रीटिंग वुमेन एट पार विद मेन एंड जस्ट अ नाइस मूवी। It also it's very powerful and it shows that women are treated very badly and how low men feel about them and give them less dignity and it's a nice movie. It encourages us to treat them with equal rights and it's nice. She has acted very well. ओके, आज के ज़माने में जो सिचुएशन है ऐसा लगता है कि उसको देखते हुए ऐसे इस तरीके की फिल्में बननी चाहिए। हाँ, बिकॉज द थिंग इज लाइक अभी भी रूरल एरिया में पीपल थिंक वुमेन आर लेस देन मैन एंड इट शुड चेंज, सो मूवीज लाइक दिस आर डेफिनेटली अ गुड वे टू मेक दैट हैपन। 4। एक्टिंग रानी मुखर्जी की अच्छी थी काफ़ी, और बाकी जो क्या बोलते हैं विलन का रोल था काफ़ी अच्छा, हद तक अच्छा किया, नहीं और अच्छा कर सकता था। फिल्म की स्टोरी बहुत ही अलग, हाँ बहुत ही अलग थी, काफ़ी मज़ा आया देखने में भी और काफ़ी अच्छी लगी मुझे, खासकर जो लड़कियों के ऊपर बनाई है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी मोटिवेट करती है कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए और कुछ करना चाहिए। मैंने मर्दानी 1 नहीं देखी, देख भी नहीं पाया, लेकिन मर्दानी 2 मुझे बहुत अच्छी लगी और काफ़ी अच्छी लगी। 3। इट्स अ वंडरफुल मूवी विथ अ मैसेज दैट अ लेडी और अ वुमन मे बी वर्किंग और नॉन वर्किंग, शी नीड्स अ मैन जस्ट बिकॉज शी लव्स एंड टेक्स केयर ऑफ देम, शी डजंट नीड्स एनी सपोर्ट सिस्टम। रानी मुखर्जी इज फैबुलस, शी डजंट रिक्वायर्स एनी मूवी सॉन्ग्स, एनी मेल एक्टर और सपोर्टिंग एक्टर ऑल्सो, शी इज परफॉर्म ब्यूटिफुली एंड वेरी वंडरफुल मैसेज इन द मूवी वेर दे आर ट्राइंग टू शो चाइल्ड रेपिस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। India really needs a counseling and I feel the students should also watch this movie so they get a very good mindset that they should respect the women and the colleagues with them. आज का जो सिचुएशन है उसको देखते हुए क्या लगता है इस तरीके की फिल्में बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए एंड एवरीबडी शुड वॉच, इनफैक्ट इवन स्कूल शुड प्रमोट वॉचिंग दिस मूवी टू द स्टूडेंट्स। आई विल गिव 5/5। इट्स अ मस्ट वॉच इज व्हाट आई कैन से इन शॉर्ट एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए ऐसा कॉन्टेंट, सो देन द माइंड सेट ऑफ द एंटायर नेशन चेंजेस। एक चाइल्ड के बारे में बताया गया कि कैसे वो गलत काम करता है एंड ऑल, तो आज की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए लगता है कि इस तरीके की फिल्में बहुत ज़्यादा बननी चाहिए? डेफिनेटली ऐसी बननी चाहिए ताकि लोगों को पता चले उनका भी एक माइंड सेट है जो चेंज हो। रानी मुखर्जी इज फैबुलस, शी डजंट नीड एनी हीरो, शी इज द हीरो ऑफ द फिल्म। 4। जी हाँ, मर्दानी मेरे को बहुत अच्छी लगी, मर्दानी 2 बहुत बेहतरीन पिक्चर है और जो इनमें विलन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उनका किरदार, मेरठ का जो उन्होंने लुक लिया है और मेरठ जो उन्होंने लैंग्वेज पकड़ी है बहुत बेहतरीन है। एक्टिंग तो हर सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, एक्टिंग के बारे में हम क्या क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छी एक्टिंग है, सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। रानी मुखर्जी मुझे फर्स्ट हाफ से ज़्यादा सेकेंड हाफ में बहुत अच्छी लगी। या देखिए वो कब देखी थी, ये अभी देखी है, जाहिर सी बात है जो फ्रेश होगा वही इंसान बोलेगा, तो मुझे भी मर्दानी 2। ओके, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते थे, वो पहुंच पाया? जी हाँ बिल्कुल पहुंचा वो मैसेज। 4.5। थैंक यू।
मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी, और स्पेशली मुझे रानी का काम तो अच्छा लगा ही लगा, मुझे जो उसमें एक नया कैरेक्टर, एक नया एक्टर जिसने अपने आप को इस विलन एज अ विलन उसमें पोर्ट्रे किया, मुझे उसका काम भी बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जनरली हम एक्टिंग कैसे जज करते हैं कि किसी की एक्टिंग ने अगर हमें वो जो फील देना चाह रहा है वो फील अगर देने में वो सक्सेसफुल हो गया है, देन आई फाइंड इट कन्विंसिंग, मतलब अच्छा एक्टिंग किया उसने। तो वो विलन से मुझे लिटरली रेपिस्ट वाली वाइब्स आई हैं मुझे, एंड मुझे लगा है कि हाँ ये बंदा, इसकी साइकोलॉजी कैसी चलती होगी, वो कैसा सोच रखता होगा। तो समवेयर आई गॉट वाइब एंड मुझे लगा कि हाँ ये बहुत अच्छी मूवी, कुछ कहीं नहीं लगा कि यार मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ या मैं बोर हो रही हूँ या नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट वॉज ऑल परफेक्ट मूवी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो टाइम अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसके हिसाब से तो ये बहुत ही हाई टाइम है, जब हम सबको कहीं ना कहीं एफर्ट लगाना पड़ेगा हमारी ही कंट्री की वुमेन को सेफ गार्ड करने के लिए। और जो एक दकियानूसी ख्याल हैं उनको पीछे छोड़ के आप उस तरफ, उस डायरेक्शन में एफर्ट लगाइए जहाँ पे लगाना शायद कहीं ना कहीं उनको सिक्योर बनाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा, वही मैसेज वो ये मूवी भी देती है। 4.5 आई लाइक इट। मर्दानी देख के आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? बस मैं कहना चाहूँगा कि हमको एक मैसेज के साथ बहुत सारे मैसेज मिले उसमें, जैसे कि एक वुमेंस पे तो है ही है, वुमेन सिक्योरिटी हमको बढ़ाना चाहिए और उनको और अवेयर करना चाहिए ऐसे लोगों के बारे में जो दिमाग से शायद पैदल है, या फिर पता नहीं ऐसे लोग भी होते हैं, मैं तो समझ भी नहीं पाता ऐसे लोग, क्योंकि मैं भी राजस्थान से हूँ एक्चुअली, और जो स्टोरी है वो राजस्थान से है, और मैं 3 साल से मुंबई में हूँ, और राजस्थान में ऐसा होता है मुझे पता है, बट इतने हद तक लोग गिर सकते हैं ये मुझे नहीं पता है। और अगर ऐसा हो रहा है, और मुझे सीन आ रहा है, हमको दिख रहा है रोज़ कोई ना कोई ऐसा केस आता ही है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है उसकी जड़ तक जाना चाहिए, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर से काम करना चाहिए। इस मूवी में उस जड़ तक कैसे जाना वो दिखाया गया है। सो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बच्चे बूढ़े सब, ऐसे इसमें कोई एज नहीं दिखाया गया कि इसी से 18 से कम बच्चे नहीं देख सकते, सब लोग देख सकते हैं और देखना चाहिए, बिकॉज हाँ अवेयर होने की ज़रूरत है सबको। सो प्लीज़ वॉच दिस मूवी, नेक्स्ट लेवल। मतलब मैं जैसा सबको बोला, मैं जैसे रानी जी की एक्टिंग, मतलब ये जो कैरेक्टर है वो मैंने अभी तक मेल में भी नहीं देखा है बॉलीवुड में, सो इट्स टू हैवी एंड इट्स टू लाइक रिजिड, यू नो रॉ जिसको हम बोलते हैं, सो इट्स यस परफेक्ट। हाँ विलन तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा कोई माइंडसेट हो भी सकता है, वो मैं अगर सोचता हूँ कि उसने कैसे किया होगा ये, तो मुझे समझ नहीं आता उसने कैसे किया होगा, इट्स लाइक टू डिस्टर्बिंग स्पेस ऑफ माइंड, वो आप सोच भी नहीं सकते कैसे प्रिपेयर किया होगा। बट अभी मैं स्टोरी में रिलेट हूँ तो विलन मुझे सोचना ही नहीं है, सो विलन इट्स टू डार्क। फिल्म के लिए एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? डार्क। ओके, 5 में से कितना स्टार? 4.5। थैंक यू सो मच, नो प्रॉब्लम। ओके, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज पोर्ट्रे करती फिल्म मर्दानी, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? मर्दानी एक बहुत ही इंटेंस और बहुत ही ग्रिपिंग और बहुत ही रियलिस्टिक मूवी है, और ये गोपी पुत्र ने डायरेक्ट की है, और कहीं भी ये नहीं लगा कि आप मूवी देख रहे हैं, लगा कि सच्चाई, क्योंकि आप न्यूज़पेपर्स में आजकल पढ़ रहे हैं कितना यू नो क्राइम हो रहा है अगेंस्ट वुमेन, और अभी जो हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डी का रेप और मर्डर हुआ, वो चारों रेपिस्ट को एनकाउंटर में मारा गया, और अभी निर्भया के रेपिस्ट को दे आर गोइंग टू हैंग देम टिल डेथ ऑन द 16th। सो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि इतना गुस्सा और आक्रोश है लोगों में, इसलिए एंड में इतना तालियों की गड़गड़ाहट थी, देयर वाज अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि पीपल कुड फील द पेन एंड सफरिंग, हाउ दोज विक्टम्स आर वनरेबल, हाउ यू नो किस तरह वो शिकार बनते हैं, और कैसे विकृत मानसिकता के लोग, परवर्ट्स, जो सिर्फ रेप ही नहीं करते और मर्डर इतनी ब्रूटली उनका मर्डर करते हैं, तो यही सच्चाई बयान करती है, और ये मुहिम में हम सबको खड़े होना है, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस का या पुलिस वालों का काम नहीं है, हमारा भी काम है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। टॉप नॉच परफॉर्मेंस, इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस, इट्स अ माइलस्टोन इन अ करियर, और उनके पति आदित्य चोपड़ा ने ये मूवी डायरेक्ट किया, तो कैसे पूरी फैमिली जुट गई, और ये सोशल मैसेज वाली मूवीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और right. आज दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि दिस इज़ हैपनिंग, एंड इससे पहले जो मूवी थी वो प्रदीप सरकार ने डायरेक्ट की थी, और वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ड्रग्स के ऊपर थी, और ये मूवी रेप और मर्डर के ऊपर है, तो आई थिंक एट द राइट टाइम दिस इज़ वॉट वी कॉल द यू नो दे हैव रिलीज्ड इट एट द राइट टाइम, और लोगों में जो आक्रोश और गुस्सा है, सी आप प्रोटेस्ट सिर्फ कैंडल मार्च करके या सोशल मीडिया पे डाल के अपना गुस्सा नहीं बयान कर सकते, यू हैव टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड कि हमें किस तरह औरतों की सुरक्षा के लिए, हाउ वी हैव टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन सेफ गार्डिंग द सेफ्टी ऑफ वुमेन, तो वो बहुत ज़रूरी है। और विलेन का के रोल की बहुत ज़्यादा तारीफ जी जी, विशाल जेठवा, आई थिंक इतना रेकलेस और इतना रुथलेस, आई थिंक वो देख के ना बिल्कुल दिल दहल जाएगा, एंड वो रोल करना आसान नहीं है,
क्योंकि आप एक्चुअली उनसे नफरत करने लग जाएंगे. और उसके साथ साथ बाकी कैरेक्टर्स भी बहुत है, पर ये दो, रानी मुखर्जी एज द प्रोटैगनिस्ट एंड दिस पर्सन विशाल जेठवा, पूरी मूवी इनके आसपास ही रिवॉल्व होती है. एंड यू नो बोथ ऑफ देम, रानी मुखर्जी एज द प्रोटैगनिस्ट एंड दिस पर्सन इन अ नेगेटिव रोल एज एन एंटागोनिस्ट, बोथ ऑफ देम आर जस्ट पिच परफेक्ट. एंड आई थिंक इट्स रानीज टॉप नॉच परफॉर्मेंस जी. आई थिंक लाइक आई सेड, दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग इन अ सोसाइटी राइट नाउ, और लोगों में बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है, दे आर डिसग्रंटल्ड विद द लीगल सिस्टम. सो मर्दानी टू ऑब्वियसली, और इसके साथ एक मुहिम शुरू होनी चाहिए, इट्स एन आई ओपनर. सो यू हैव टू यूनानिमसली, कोहेसिवली, यूनाइटेडली एंड कैटेगोरिकली स्टैंड अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ वुमेन. राइट, 4.5 स्टार्स. And I urge each and every citizen of India to go and watch this movie. And it's an eye-opener, like I said. It's socially relevant of what is happening in a society. And 5 out of 5 for Rani Mukherjee.